हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 16 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में क्या है और कुछ बेसिक जो जनरल एंट्रीज हैं, जिसके बाद ये कंसेप्ट जो है और बढ़ता जाएगा आगे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डियर, देखिए, सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है। बिल रिसीवेबल और बिल पेबल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास की जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, उनमें आप लोगों को जनरल एंट्रीज में भी बिल रिसीवेबल और बिल पेबल का कंसेप्ट आया था। बट फिर भी इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से। मान लीजिए एक कंपनी है ए, राइट, वो एक सप्लायर है बी, उससे माल उधार लेती है। या एक एग्जांपल, ए कंपनी बी को कस्टमर समझकर उसको माल देती है, कस्टमर है उसका, उसको माल उधार पर देती है, राइट। 50,000 रुपए का माल ए कंपनी ने बी को उधार दिया। अब दो बातें होती हैं, या तो बी आपको ऑन द स्पॉट कैश दे देगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर बी कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मुझे 3 महीने का टाइम दीजिए, और अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो आप मेरे से बिल पे साइन करा लीजिए, तब कंपनी क्या करती है, एक बिल तैयार करती है, बिल लिखती है। तो ये कंपनी जो बिल लिखती है, उस कंपनी को बोलते हैं हम लोग ड्रॉअर, या जो पार्टी लिखती है बिल को उसको हम बोलते हैं ड्रॉअर, राइट। ए कंपनी ने बिल लिखा और फिर बी उस पर क्या करता है, सिग्नेचर करता है कि यस, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन उस बिल पर लिखी हुई है, आई एम एग्री विद दैट, राइट। तो जब बी साइन करता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस देना। तो बी एक्सेप्टेंस दे देगा, तो एक बिल ए के पास पड़ा होगा, वो बनेगा ए के लिए बिल रिसीवेबल, यानी ए ने उस बिल के पैसे आपसे लेने हैं, और बी के लिए वो बिल बनेगा बिल पेएबल, यानी बी ने उस बिल के रिस्पेक्ट में पेमेंट करनी अभी बकाया है, यानी लाइबल है उसके लिए। तो जो पार्टी एक्सेप्टेंस देती है, उस पार्टी को हम बोलते हैं डियर ड्रॉई। तो जो आपके पास बिल बनाता है, दैट इज अ ड्रॉअर, और जो बिल पे सिग्नेचर करता है या एक्सेप्टेंस देता है, वो एक्सेप्टी होता है या फिर ड्रॉई होता है। तो एक्सेप्टेंस देने वाले को पेमेंट करनी होती है, और एक्सेप्टेंस जो रिसीव करता है वो आपके पास पेमेंट रिसीवर होता है, राइट। बिल रिसीव करने का राइट उसके पास होता है। तो यहां पर आपके पास ये कंसेप्ट होता है, यानी जब उधार पर माल बेचा जाता है कस्टमर को, तो ऐसे केस में बिल रिसीवेबल और बिल पेबल का कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन हम दोनों के एस्पेक्ट से एंट्री सीखेंगे इसके अंदर। फिलहाल अगर हम बात करें, आपके पास एक और पार्टी के बारे में हमने यह नाम लिखा है पेई। अब ये पेई कौन होता है? नाम से ऐसा लगता है कि पेई वो पर्सन होगा जो पेमेंट करेगा, पर डियर यहां पर पेई का मतलब ये नहीं होता। पेई वो पर्सन होता है जो फाइनली बिल के पैसे रिसीव करेगा। तो इसमें सिचुएशंस होती हैं डिफरेंट। अगर बिल मैच्योरिटी डेट तक ए के पास रहा, अब ये मैच्योरिटी डेट क्या होती है, पहले हमें ये समझ लेना काफी जरूरी है। ए ने बी को 50,000 रुपए का माल दिया, बी कहता है मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, 1 जनवरी 2019 को इसने ये माल बी को बेचा, बी कहता है मुझे कम से कम 3 महीने का टाइम दीजिए, मैं आपको ये पेमेंट कर दूंगा। तो 1 जनवरी से 3 महीने तक पूरा चले जाना है, जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, यानी आपके पास अप्रैल 1 को वो कह रहा है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, यानी उसके हिसाब से जो ड्यू डेट बनती है या हमारे हिसाब से जो ड्यू डेट बनती है वो 1 अप्रैल 2019 बनती है। बट डियर क्या होता है, अगर ये पेमेंट नहीं कर पाता बी टाइम पर, तो ए जो है वो उसको स्यू कर सकता है कोर्ट में कि सर देखिए, इसने मुझे ये बिल लिख के दिया था, इस पे सिग्नेचर भी करे हैं, इस प्रूफ है कि इसने मुझे पेमेंट करनी थी और ये मुझे पेमेंट नहीं कर रहा, तो लीगल तरीके से आप मुझे इससे पेमेंट दिलवाइए। तो कोर्ट ने क्या कहा कि जो 3 महीने आपने दिए हैं अपनी तरफ से, या लॉ ने ऐसा कहा लीगल टर्म्स में, जो 3 महीने आपने दिए हैं उसमें 3 दिन हमारी तरफ से इस पर्सन को और ग्रेस पीरियड दे दीजिए। कि क्यों दिए जाते हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं डियर कि फॉर एग्जांपल अगर 1 अप्रैल की जो बात है हमारी, उस 1 अप्रैल को भी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, या कुछ अनसर्टेनिटीज उसके साथ हो चुकी हैं, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन अराइज है कि बी उस टाइम पेमेंट नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट कहती है कि 3 दिन हमारी तरफ से और ग्रेस पीरियड ऐड करिए और फिर आप बनाइए उसकी मैच्योरिटी डेट। अगर वो मैच्योरिटी डेट पे भी आपको पेमेंट नहीं करता, तब लीगल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ड्यू डेट जो कि हमने अभी निकाली थी 1 अप्रैल 2019, जो कि 3 महीने का पीरियड के बाद बन जाती है, 3 दिन हम उसमें ग्रेस पीरियड और जोड़ देते हैं, वो बन जाती है आपकी मैच्योरिटी डेट, राइट। तो आपके पास मैच्योरिटी डेट पर, जो भी बात कर रहे थे हम लोग, मैच्योरिटी डेट पर बिल जिसके पास होगा, बिल रिसीवेबल की बात हम लोग कर रहे हैं, बिल जिसके पास होगा और जो भी पेमेंट रिसीव करेगा वो पर्सन पेई कहलाता है।
तो आप कहेंगे ये तो हमेशा ए के पास ही होगा। नहीं डियर, हम यहाँ पे चार केसेस पढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि हो सकता है कि बिल इसके पास हो, हो सकता है ए ने किसी बंदे को पेमेंट करनी हो, फॉर एग्जाम्पल सी को, तो सी को इसने ये बिल दे दिया है। तो अगर सी जो है वो बी से जाके पेमेंट ले रहा है, तो जो भी रिसीवर होगा फाइनली वो यहां पर क्या कहलाता है? पेई कहलाता है, राइट। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंटली ये समझ में आ गया कि बिल रिसीवेबल क्या होगा, जिस भी पार्टी ने पेमेंट रिसीव करनी बाकी है उसके पास एक बिल पड़ा होगा, सिग्नेचर करा हुआ, दैट इज बिल रिसीवेबल। और दूसरी पार्टी होगी जिसने उस रिस्पेक्ट में पेमेंट करनी होगी, वो होगी आपकी बिल पेबल वाली पार्टी, उसको हम बोलते हैं ड्रॉई, बिकॉज वो आपके पास जो बिल बनाने वाला बंदा होता है दैट इज ड्रॉअर। क्योंकि आप कभी भी देखिए, अगर आप किसी कंपनी से माल लेकर आते हैं तो बिल तैयार कौन करता है? कंपनी के सेल्समैन, कंपनी तैयार करती है, आप लोग बिल तैयार नहीं करते, राइट। तो ड्रॉअर लिखने वाला, तो ये ड्रॉअर होता है और ये ड्रॉई होता है जिसने पेमेंट देनी होती है, राइट। और पेई थर्ड पार्टी होती है जो फाइनली रिसीव करेगी, जिसके पास भी बिल रिसीवेबल होगा वो उसकी पेमेंट रिसीव कर सकता है। तो यहां पर हमारे पास तीन पार्टीज होती हैं, और एक को कौन सी डेट तक वेट करना होता है पेमेंट के लिए? मैच्योरिटी डेट तक। और ये मैच्योरिटी डेट क्या होती है? जो आपके पास बी ने टाइम मांगा है, ड्रॉई ने जो टाइम मांगा है, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, उसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड के गवर्नमेंट की तरफ से और ऐड कर दिए जाते हैं, और वो बन जाती है आपकी मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट पर अगर आपको बी पेमेंट नहीं करता तब क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। इसमें पूरी सिचुएशंस पर जर्नल एंट्रीज हैं बिल पेबल और बिल रिसीवेबल को लेकर। तो जो पूरा चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देगा कि बिल रिसीवेबल और बिल पेबल के कंसेप्ट में क्या क्या चीजें आपके पास होती हैं। इज इट ओके? इसमें एक और कंसेप्ट है डियर, प्रॉमिसरी नोट। वो थोड़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज से डिफरेंट होता है। वो किस वे में डिफरेंट होता है? वैसे जनरल एंट्रीज में कोई फर्क नहीं है, उसको भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही लिखा जाता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज से कैसे डिफरेंट होता है? जो जनरली बिल रिसीवेबल और बिल पेबल है, गुड्स के उधार के रिस्पेक्ट में दिए जाते हैं, राइट। और जो प्रॉमिसरी नोट होता है उसमें क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं खासतौर पर। ए जो है वो बी से 50,000 रुपए उधार लेता है, या सॉरी, ए जो है वो बी को 50,000 रुपए उधार देता है, राइट। तो यहां पर ए एक प्रॉमिसरी नोट तैयार करेगा जिसमें वो बी से एक प्रॉमिस चाहता है कि मेरे पेमेंट 50,000 रुपए 3 महीने बाद आप मुझे वापस कर दोगे, जिस पर बी क्या कर देता है, सिग्नेचर कर देता है कि ठीक है मैं आपके 50,000 रुपए 3 महीने बाद विद इंटरेस्ट इस डेट पर आपको वापस कर दूंगा। तो दैट इज व्हाट प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट में बेसिकली डेट का जो प्रूफ होता है वो होता है कि अगर ए ने बी को कोई डेट दिया, उधार दिया है, तो उसका प्रूफ होता है। और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसमें आपने गुड्स उधार पर बेचे हैं, उसकी पेमेंट आपको रिसीव करनी होती है, राइट। दोनों को ही हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेम एंट्रीज, सेम ट्रीटमेंट जनरल एंट्रीज के तरीके से हम लोग करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं अब क्या जनरल एंट्रीज हमारे पास यहां पर होती हैं। तो सबसे पहले आपके पास केस हमने बनाए हैं, चार केस हैं आपके पास बुक के अंदर। तो पहला केस है डियर, अगर बिल टिल मैच्योरिटी ड्रॉअर के पास है, व्हेन बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी बाय ड्रॉअर, यानी अभी जो सिचुएशन हम लोग देख रहे थे, फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टीज हैं, ए ने बी को 50,000 रुपए का माल बेचा, राइट। बी ने कहा सर मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, 1 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन हुई है, कहता है मुझे 3 महीने का टाइम दो। ए ने कहा ठीक है, बिल लिखना शुरू कर दिया, ए बन गया हमारा ड्रॉअर। बिल लिखा, फिर बी ने उस पर सिग्नेचर कर दिए, तो बी कौन हो गया? हमारा ड्रॉई, राइट। इसके पास जो कॉपी पड़ी है वो है बिल रिसीवेबल, और इसके पास जो कॉपी हमने दी है वो है बिल पेबल। अब क्या जर्नल एंट्रीज इनकी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर 3 महीने बाद, 3 महीने बाद यानी 1 अप्रैल 2019, उसमें 3 दिन और जोड़ दीजिए, 4 अप्रैल 2019 आपकी मैच्योरिटी डेट है, जिस पर ए बी के पास जाएगा और कहेगा सर मेरी पेमेंट दे दीजिए, और बी उसे दे देगा। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि पेमेंट जो है वो मिल जाएगी, यानी बिल जो है वो ऑनर्ड हो जाएगा। तो अब हमें एंट्री सीखनी है ड्रॉअर की बुक में और ड्रॉई की बुक में। तो हम दोनों की बुक में आपको जनरल एंट्रीज बताते हैं। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, यहां पे ड्रॉअर कौन है आपका? ए। तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है क्वेश्चन में कि ड्रॉअर कौन है। अब ड्रॉअर ने 1 जनवरी 2019 को क्या एंट्री करनी है? सबसे पहले ए ने बी को माल बेचा, तो क्या एंट्री होगी? बी उसका डेटर बन जाएगा, यानी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। कितने रुपए? 50,000 रुपए। फिर बी ने क्या करा, सेम डेट पर 1 जनवरी 2019 को
बी को डेटर नहीं बना के रखा, उससे बिल रिसीव कर लिया, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। कितने रुपए का बिल ले लिया? 50,000 रुपए का। तो क्या हुआ डियर, एक एसेट आपकी डिक्रीज हो गई, दैट इज डेटर, और दूसरी एसेट क्रिएट हो गई, बिल रिसीवेबल। ओके जी, अब इन बिटवीन कुछ नहीं होगा, अब सीधा मैच्योरिटी डेट आएगी 4 अप्रैल 2019, जिसमें बी को बिल रिसीवेबल के पैसे मिल जाएंगे। तो आपने क्या करा, सबसे पहले बी को अपना डेटर बनाया था, बिकॉज आपने उसको उधार पे माल बेचा था। फिर आपने कहा डेटर नहीं बनाना, हमने उसे बिल लेना है, तो बिल रिसीवेबल नाम की एसेट इंक्रीज कर दी और डेटर नाम की एसेट रिड्यूस कर दी। तो जब एसेट बढ़ती है डेबिट, जब एसेट कम होती है तो क्रेडिट। और फिर मैच्योरिटी डेट पर आपको इस बिल के पैसे मिल जाएंगे, तो आपका बैंक इंक्रीज हो जाएगा, यानी आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और आपकी जो बिल रिसीवेबल नाम की एसेट है ये कम हो जाएगी 50,000 50,000। ओके जी, तो ये एंट्रीज आपकी ड्रॉअर की बुक में हो गई, जब आपके पास मैच्योरिटी डेट तक बिल ए के पास ही होता है। अब ड्रॉइंग की बात करते हैं, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। तो अगर हम चारों केसेस देखेंगे तो आप देखेंगे कि ड्रॉई की बुक में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सेम एंट्रीज हैं, मेन एंट्रीज ड्रॉअर की बुक में हैं। तो पहली एंट्री, अब बी के प्रस्पेक्ट से सोचिए, अगर ए ने बी को माल बेचा था तो बी ने ए से माल खरीदा था। एक बात, ए की बुक्स में ए का नाम बिल्कुल नहीं आएगा और बी की बुक्स में बी का नाम बिल्कुल नहीं आएगा। बी अपनी बुक में अपना नाम थोड़ा लिखेगा ऑब्वियसली, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जब हम बी की बुक में एंट्री करें तो सारी एंट्रीज ए के नाम से होंगी। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2019 को उसकी बुक में क्या एंट्री होगी? उसकी बुक में एंट्री होगी परचेज करने की, राइट? तो परचेज करने की क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटी बनाएगा वो किसको? ए को। कितने से? 50,000 रुपए से, राइट? सेकेंड एंट्री सेम, ए ने बिल रिसीव करा है तो बी ने बिल पेबल रिसीव करा है, तो ए जो इसने बी ने जो ए को लाइबिलिटी बनाई थी वो कैंसिल कर देगा और एक और लाइबिलिटी क्रिएट कर देगा, दैट इज बिल पेबल अकाउंट, 50,000 रुपए। ओके जी, और फिर मैच्योरिटी डेट पर उसकी ये लाइबिलिटी फिनिश हो जाएगी और उसके पास से कैश चला जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 50,000 रुपए। तो ये हो गई डियर, बड़ी सिंपल सी एंट्रीज हैं आपके पास फर्स्ट केस में ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक में एंट्रीज। चलिए बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस है व्हेन बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, एंड दैट इज अ इंपॉर्टेंट केस, ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो डियर इसमें क्या होता है, जैसे फई केस ले लेते हैं हमने, ए ने बी को 50,000 रुपए का माल बेचा, राइट? अब बी कहता है सर मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, 1 जनवरी 2019 को उसने माल बेचा है। बी कहता है सर मुझे कम से कम 3 महीने का टाइम दीजिए। ए कहता है ठीक है कोई बात नहीं, ए बिल लिखना स्टार्ट कर देता है, तो ये बन गया आपका ड्रॉअर, राइट? बिल लिखा, फिर ए ने बी को कहा कि अब आप इस बिल पर क्या कर दीजिए, साइन कर दीजिए। ठीक है जी, बिल ने साइन कर, बी ने साइन कर दिए। बी ने जैसे ही साइन करे वो बन गया ड्रॉइंग। एक कॉपी इनके पास है जो है बिल रिसीवेबल, और एक कॉपी इनके पास है जो है बिल पेबल, और मैच्योरिटी डेट हमारी बन गई 4 अप्रैल 2019, जिसमें हमें पेमेंट रिसीव करनी है बी से। अब हम देखेंगे कि क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई। अब ए ने बी के साथ यही टर्म्स तय करी हैं कि वो 3 महीने बाद ही आपसे पेमेंट लेगा, लेकिन मान लीजिए ए को पैसे की जरूरत थोड़ा पहले पड़ गई। अब प्रॉब्लम क्या है, आप बी से नहीं मांग सकते। बी से क्यों नहीं मांग सकते, क्योंकि बी के साथ आपने टेन्योर तय करा है 3 महीने का। अब ए को पैसे की जरूरत है, तो ए अपने बैंक के पास जाता है और कहता है सर मुझे ये बिल गिरवी रखकर कुछ पेमेंट पकड़ा दो। बैंक कहता है ठीक है भाई मैं तुझे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको पैसे की जरूरत जो है वो पहले ही पड़ गई, राइट? तो अब आप क्या करेंगे, आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक कहता है ठीक है मैं ये बिल गिरवी रखकर आपको पेमेंट कर दूंगा, लेकिन जितना वेटिंग पीरियड मेरे पास रुकेगा मैं उसका इंटरेस्ट आपसे चार्ज करूंगा, राइट? तो अगर मान लीजिए आप 4 जनवरी को ही उठकर चले गए बैंक के पास, 4 जनवरी को ही, राइट? तो बैंक को देखिए कितना पीरियड वेट करना है अभी। अगर आप बैंक के पास चले गए तो बैंक को 4 जनवरी से लेकर 4 अप्रैल तक वेट करना है, इसका मतलब बैंक को पूरे 3 महीने तक का वेट करना है। तो बैंक क्या करेगा, ये जो 50,000 रुपए हैं
मान लीजिए कि उनके इंटरेस्ट रेट है 10%, डिस्काउंटिंग चार्जेस हम इसे बोलेंगे, 3 महीने का वो लोग आपसे इंटरेस्ट काट लेंगे, जो कि आपके पास हो जाएगा 1250 रुपए। यानी वो क्या करेंगे, 50,000 में से 1250 रुपए काट कर आपको 48750 रुपीज दे देंगे। क्यों डियर? सिंपल सी बात है, हम कभी भी अपना पैसा किसी को उधार देते हैं तो हम जो इंटरेस्ट लेते हैं वो इसलिए तो लेते हैं कि हमें अपने ही पैसे के लिए वेट करना पड़ रहा है। इस पर्सन ने जो वेटिंग पार्ट था वो किस पे शिफ्ट कर दिया, बैंक पे शिफ्ट कर दिया। तो बैंक कोई वेला थोड़ा ना जो 3 महीने तक इसके बिल को होल्ड करके रखेगा और इसको पैसे दे देगा। तो बैंक ने वो 3 महीने तक का जो वेटिंग पीरियड है उसका इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर लिया 1250 रुपए और बाकी के पैसे आपको पकड़ा दिए। अब मैच्योरिटी डेट पर बैंक जाएगा बी के पास 4 अप्रैल 2019 को कि भाई इस बिल के पैसे मुझे दे दे, विच इज 50,000 रुपीज। ओके, कई बच्चों को ये लगता है कि यहां से भी बैंक ने 1250 ले ली, यहां से भी, ऐसा नहीं है डियर। ये जो 1250 रुपए हैं ये सिर्फ एक ही बार इसे चार्ज करे गए हैं, बिल तो 50 का ही है ना, तो 50,000 तो इन्होंने लेने ही लेने, एक बार इसी से चार्ज करा, इससे तो पूरे 50 लेने ही लेने हैं हमने, ठीक है। तो एक ही बार चार्ज हुआ, डबल बार आपके पास चार्ज नहीं हुआ। तो यहां पर ड्रॉर ए है, ड्रॉई बी है, पेई कौन है यानी रिसीवर कौन है आपके पास पैसे का, बैंक है। तो क्या जर्नल एंट्रीज इस केस में हमारे पास ड्रॉर की बुक में होगी वो हम लोग देखेंगे। ड्रॉई की बुक में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला डियर, ड्रॉई की बुक में सेम एंट्रीज है। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ए देख रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ ए हमारे पास क्या एंट्रीज होंगी, इन द बुक्स ऑफ ए दैट इज ड्रॉर। और याद रखिएगा, अगर बैंक ने ये 4 फरवरी को दिया होता तो फिर यहां पर इंटरेस्ट कितना लगता, 2 महीने का। अगर 4 मार्च को लिया होता तो 1 महीने का, यानी जितना भी बैंक का वेटिंग पीरियड है उतने का ही आप उससे डिस्काउंट चार्जेस काटोगे बैंक से। तो सबसे पहली एंट्री 1 जनवरी 2019 को वही है कि ए ने बी को माल बेचा, यानी क्या एंट्री हो जाएगी बी ए की बुक में, फर्स्ट ऑफ ऑल बी को वो अपना डेटर बनाएगा, यानी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने अमाउंट से, 50,000 रुपीज। फिर वो क्या करेगा, 1 जनवरी 2019 को बी से बिल रिसीव करेगा, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। 50,000 रुपए का बिल ले लिया आपने। अब क्या होता है, मैच्योरिटी डेट तक हमारा टाइम हम रुके नहीं, हमने 4 जनवरी 2019 को ही इस बिल को बैंक को देकर उसके बदले में पैसे ले लिए। तो अब क्या हुआ डियर, एक तो आपके पास पैसे आ गए बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए लेकिन, 48750। आपका बिल कितने का चला गया आपके हाथ से, 50,000 रुपए का। तो 1250 का ये बैलेंस जो मैच नहीं कर रहा डेबिट में, उसको हम लिखते हैं डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आपका खर्चा हो गया 1250 का। और खर्चा क्या है डियर, जो 3 महीने का वेट आपने करना था वो बैंक कर रहा है, तो इतना तो बनता ही है आपका चार्ज करना। तो ये एंट्री आपकी होगी इन दैट केस, अगर आपसे बैंक जो है वो डिस्काउंट चार्जेस काटता है, बैंक अकाउंट डेबिट, जितने भी पैसे आपको फाइनली मिले डिस्काउंट चार्जेस खर्चा है आपका तो 1250, और बीआर आपका पूरा चला जाएगा 50,000 रुपए से। बात हम करें अगर ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री होगी, ड्रॉई को कोई लेना देना नहीं है, वो मैच्योरिटी डेट से पहले पैसे देने वाला भी नहीं है, तो मैच्योरिटी डेट पर ही उसकी एंट्रीज होंगी। यानी अगर हम उसकी एंट्रीज की बात करें तो सेम एंट्रीज होंगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, उसने माल खरीदा फिर उसने बिल पेबल दिया, एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, और सीधा मैच्योरिटी डेट को जो भी उसको बिल पकड़ाएगा वो एंट्री कर देगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी उसकी बुक में कोई चेंजेस नहीं है। आई होप आपको दोनों केसेस समझ में आए हों। चले नेक्स्ट केस की तरफ, केस 3 की तरफ। चलिए केस 3 देखते हैं हम लोग। केस 3 में कहता है व्हेन बिल इज एंडोर्स टू थर्ड पार्टी। इसमें क्या होता है डियर, सिचुएशन क्या है हमारे पास, सेम वही लेते हैं। ए ने बी को 50,000 रुपए का माल बेचा, बी कहता है सर मेरे पास पैसे नहीं है, हमने कहा ठीक है आपके ऊपर हम बिल लिखना शुरू कर देते हैं, ए बन जाता है ड्रॉर, बी उस पर सिग्नेचर कर देता है, बी बन जाता है ड्रॉई, एक कॉपी जो है वो ए के पास है दैट इज बिल रिसीवेबल, और एक कॉपी बी के पास है जो शो कर रही है कि बी को पेमेंट करनी है, और मैच्योरिटी डेट हमारी तय होती है इस डेट से 3 महीने बाद प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड के, तो वो हो गए हमारे 4 अप्रैल 2019, राइट। तो अब हम ये देखते हैं इस सिचुएशन में क्या होता है, ए को ना किसी को पेमेंट करनी थी, फॉर एग्जाम्पल
कोई भी तीसरी पार्टी आ जाती है सी। सी कहती है भाई ए मेरी पेमेंट कर दे, तूने मुझे 52,000 रुपीज देने हैं वो मुझे दे, मैं अब और नहीं रुक सकता। तो ए ने कहा देख मेरे पास तो कैश नहीं है, मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है, अगर तू चाहे तो तू उसको ले जा और 20 से 4 अप्रैल 2019 को उसकी पेमेंट ले लियो। तो सी बेसिकली ए के लिए क्या था, सी ए की एक लाइबिलिटी थी जो उसने चुकानी थी। तो सी ने ए से क्या ले लिया, बिल ले लिया, यानी बिल रिसीवेबल उसके पास आ गया। लेकिन आप देख सकते हैं 52,000 रुपीज सी ने लेने हैं और बिल कितने का है, 50,000 रुपए का। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि ए जो है सी को 2,000 रुपए कैश दे दे, तो मान लेते हैं कि ए सी को 2,000 रुपए कैश दे देता है और बाकी का क्या पकड़ा देता है, बिल पकड़ा देता है। ऐसा भी हो सकता है कि फुल सेटलमेंट में जो ए है उसने सी को 50,000 रुपए का बिल दे दिया, तो ऐसे केस में आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, राइट। अब मैच्योरिटी डेट पर बिल किसके पास है, सी के पास। सी जाएगा बी के पास कि भाई मुझे पैसा दे दो, तो बी जो है वो सी को पैसा दे देगा, उसको कोई मतलब नहीं है, जो बिल पकड़ाएगा ये उसको पैसा देगा, उसको नाम नहीं लिखना होता कि कौन मुझसे पैसे लेने आया है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में देखते हैं कि ड्रॉअर की बुक में क्या एंट्रीज होगी। फिर से वही बात आपको बता रहे हैं, ड्रॉअर की बुक में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इन द बुक्स ऑफ ए हमारे पास क्या एंट्रीज होंगी, इन द बुक्स ऑफ ए दैट इज ड्रॉअर, सेम वही 1 जनवरी 2019 को आपने सेल करा माल, तो आपकी एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट दैट इज 50,000 रुपीज। फिर 1 जनवरी 2019 को आपको क्या मिल गया, बिल, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, जो आपकी एसेट थी ये एसेट कम करके आपने बिल रिसीवेबल बढ़ा लिया 50,000 रुपए, राइट। अब यहां पर हम एक डेट ले लेते हैं जब ए ने सी को पैसे दिए, मान लेते हैं 4 फरवरी 2019 को ए सी को ये बिल दे देता है क्योंकि सी उससे पैसे लेने आ जाता है, तो हमारे पास यानी ए की बुक्स में मैच्योरिटी डेट का टाइम पीरियड ही नहीं आएगा बिकॉज 4 फरवरी 2019 को ही उसने ये बिल सी को दे दिया। अब ए की बुक में आप एंट्री कर रहे हैं, ए का प्रस्पेक्ट अगर सोचेंगे तो सी उसकी लाइबिलिटी था, तो सी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगी तो डेबिट हो जाएगी 52,000 से, 2,000 तो आपने उसको कैश दे दिया तो 2,000 रुपए का कैश कम हो गया आपका और बाकी का आपके पास ये जो बिल रिसीवेबल पड़ा था 50,000 रुपए का आपने उसको ये बिल दे दिया। और अगर आपने डिस्काउंट दिया होगा डियर तो यहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से 2,000 रुपए की एंट्री कर दीजिएगा। अब मैच्योरिटी डेट पर ए की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि जो इसकी पेमेंट है वो कौन रिसीव करेगा, सी रिसीव करेगा, राइट। अगर हम बी की बात करें, ड्रॉइंग की बुक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम एंट्रीज जो हमने फर्स्ट केस में करी है। कभी कभी बच्चे कहते थे सी के बुक में भी एंट्री बताइए, तो सी की बुक में क्या एंट्री होगी, सी की बुक में ये वाली एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए, कैश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए टू ए, राइट। वो उसने एसेट था कि आपके पास बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ए 52,000 रुपीज। और मैच्योरिटी डेट पर एक और एंट्री होगी सी की बुक में, बिल खत्म हो जाएगा कैश आ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। आई होप इट्स क्लियर। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ केस की तरफ। तो फोर्थ केस क्या है हमारा, व्हेन बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक। तो आपने क्या करा, देखिए डियर क्या होता है कि ए, सेम सिचुएशन लेते हैं फिर हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। ए ने बी को माल बेचा 50,000 रुपए का, राइट, और बी ने ए से कहा कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा, वही सेम बिल रिसीवेबल आ गया ए के पास और बिल पेबल बन गया आपका बी के पास। अब क्या होता है कि ए के पास बहुत सारे बिल जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं, तो ए क्या करता है अपने बैंक को ये कहता है कि मैच्योरिटी डेट पर आप मेरे ये सारे बिल की कलेक्शन करके मुझे दे दीजिएगा। तो बहुत सारे बिल पड़े हुए हैं और ए ने कहा कि आप मेरे ये सारे बिल ले लीजिए और मुझे इनकी कलेक्शन करके एक पर्टिकुलर पीरियड बाद, जब भी इनकी मैच्योरिटी डेट है, कलेक्शन करके मेरे अकाउंट में डाल दीजिएगा। डेफिनेटली बैंक इस सर्विस के बदले में आपसे कुछ चार्ज करता है, लेकिन आपकी बुक्स में इन चार्जेस के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा, तो फिलहाल हम उसको इग्नोर करके चलेंगे। हम लोग सिर्फ यही यहां पर कर रहे हैं कि हमने यहां डिस्काउंट नहीं कराया, ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट नहीं कराया, ने हमें बैंक से पैसे नहीं लिए, बल्कि हम बैंक को कह रहे हैं कि ये बिल हमारे रख लीजिए, जब भी मैच्योरिटी डेट आएगी तो आप हमें कलेक्ट करके इन बिल्स के पैसे दे दीजिएगा, राइट। ये डिस्काउंटेड से अलग केस है। तो यहां पर भी आपके पास ये जो बिल है ये बैंक के पास चला जाता है, लेकिन उसका नेम हम क्या देते हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट के नाम से।
तो क्या एंट्रीज हमारे पास होंगी? डेफिनेटली ए की बुक में ही फर्क पड़ेगा, बी की बुक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं 1 जनवरी 2019 को पहली एंट्री जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, 20 अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 50,000 रुपए। सेकेंड एंट्री सेम डेट को बिल रिसीव करने की हमारी होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, 50,000 रुपए। और मान लीजिए 2 दिन बाद ही आपने ये बिल जो है वो बैंक को भेज दिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन के नाम से, तो हमारा ये अकाउंट डेबिट हो जाता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, राइट। यहां पर हम एक ही बिल की बात कर रहे हैं, बैंक ऐसे बहुत सारे, कंपनी जो है बहुत सारे जो है वो अपने जो बिल है वो बैंक को भेज सकती है। और मैच्योरिटी डेट पर ही जो पैसा है ये हमारे ही अकाउंट में आएगा, तो मैच्योरिटी डेट 4 अप्रैल 2019 को हम क्या करेंगे, अपना बैंक बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे पास ही फाइनली पैसा आएगा। और जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन हमने डेबिट किया था ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए बिल पहले ही कैंसिल हो चुका है तो बिल रिसीवेबल कैंसिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, उसकी जगह आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट खोला था तो वो कैंसिल होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, राइट। पूरे 50,000 रुपए आपको रिसीव हो जाएंगे। तो यहां पर आपका ये बेसिक कंसेप्ट जो है, जो बेसिक जनरल एंट्रीज हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, वो खत्म होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।